मैंने 5 दिन एक्सरसाइज ही नहीं करी है, मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ? तो उन लोगों के लिए जो ये कंफ्यूजन होती है, ये इस तरीके से लेना है। और यहाँ पे हाय वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। तो आज अपनी थोड़ी यूनिक वीडियो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट यार एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों ने मेरे फेस पे स्माइल इसलिए देख रहे हो कि कुछ मेरे भाई बोल रहे थे कि भाई आप हंसते हुए अच्छे लगते हो, स्माइल किया करो। तो ठीक है, अग्रेशन नहीं होता यार आप लोगों से बात करते हो, मेरे को फील में करता हूँ वो सारी चीजें कि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से इम्पैक्ट लगे कि हाँ मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, तो आप कनेक्ट करें, अपने आप को मोटिवेशन आए इसी वजह से थोड़ा। बट हाँ ये कि हंसने से थोड़ी पॉजिटिविटी और ज्यादा अच्छी आ जाती है, तो वीडियो जो थोड़ी और अच्छी बनती है। तो चलो ठीक है, आज हंस के ही बात करेंगे आप लोगों से, जितना हो सकता है स्माइल करके बात करेंगे। तो आज अपना करेंगे क्या वर्कआउट, जैसे कि ये वर्कआउट बेसिकली घर वालों के लिए बनाता हूँ मैं हमेशा, जिसके पास कम इक्विपमेंट है, लिमिटेड इक्विपमेंट है घर के अंदर, वो चीजें बताएंगे। आज करेंगे हम अपनी 5 एक्सरसाइजेस, बट पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए। यानी कि एक करेंगे अपना बैक का एक्सरसाइज, दूसरा करेंगे फिर बाई का, तीसरा करेंगे अपना चेस्ट का, चौथा करेंगे ट्राई का। तो इस तरीके से मिक्स करेंगे। बट ये उन लोगों के लिए जैसे कि 2-3 दिन से आप लोगों को पता नहीं है यार एक्सरसाइज नहीं करवाया, बिजी शेड्यूल था या मन नहीं था। बट अगर आप लोगों को ये होता है कि यार मैंने 5 दिन एक्सरसाइज ही नहीं करी है, मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ, तो उन लोगों के लिए जो ये कन्फ्यूजन होती है, ये उन लोगों के मेरे भाइयों के लिए कि अगर आप 5 दिन से एक्सरसाइज नहीं कर पाए हो, तो उन लोगों को ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिट देगी। कैसे? क्योंकि 5 दिन में आपकी जो मसल्स होती हैं, या 3 दिन में आपकी जो मसल्स होती हैं, वो डाउन हो जाती है। डाउन इन द सेंस कि आप लोगों को मन नहीं करता है करने का, आप लोगों का मोटिवेशन जो है वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि यार आप कैसे करें, छोड़ देते। नहीं, छोड़ना नहीं है, ये वाली एक्सरसाइज लेकर आना। और पसंद आए और नई हो मेरे चैनल पे, तो मेरे को जरूर जरूर कॉमेंट करना, मैं फिर ऐसे इस टाइप की भी रोटेशनल्स में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, और आज है संडे, स्पेशली आप लोगों के लिए उठ के आया हूँ मैं। मैंने कहा नहीं, कुछ आइडियाज थे, कुछ स्ट्रक्चर बनाया मैंने एक्सरसाइज का कि कैसे कर सकते, तो मैंने गुरुजी को कॉल किया, मैंने गुरुजी चलो चलते हैं जिम। तो गुरुजी ने बोला चलो भाइयों के लिए बनाएंगे आज एक मस्त वर्कआउट एक्सरसाइज, जो कि होगी मल्टी एक्सरसाइज। तो चलते हैं, अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी बैक के लिए करेंगे, पहले भी बताइए आज फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक और टिपिकल एक्सरसाइज है, करोगे तो मजा आएगा, अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। किस तरीके से करेंगे वो बताऊंगा। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अपना जो बैलेंस है वो बनाना बहुत जरूरी है। मैं इसको बिना बैलेंस लिए करूंगा, बट आप दीवार से अपने हिप्स लगा के कर सकते हो। तो किस तरीके से करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। देखो, आपकी पूरी बॉडी जो है झूल रही है हवा में, बट आपका जो मेन जो ग्रैबिंग आएगी वो आएगी अपने पैरों से, यानी कि अपनी फीट से। इस तरीके से उसको ले लो, थोड़े से क्लोज, थोड़े से वाइड कर लेना, अदरवाइज अगर इतना करोगे तो पूरा पीठ पे आएगा, यानी कि लोअर बैक पे आएगा, वो नहीं करना। थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं, यहां पर क्लोज कर लें अपने हाथों को, दोनों डंबल को क्लोज कर लें, और इस तरीके से चेस्ट अप रखें, इस तरीके से लेना है, और यहां पर टच करें, हिट करें थोड़ा सा, इस तरीके से हिट करना है, इस तरीके से हिट करना है, ताकि आपकी मसल पे प्रेशर आए, बैक मसल पे अच्छा खासा आपको पता फील आ जाएगा। गाइस, दो सेट में अगर सही से मार रहे हो ना, तो फील आ जाएगा। ये देखो, बॉडी बिल्कुल भी मेरी रोल नहीं हो रही है, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे, एग्जैक्ट मसल पे, एकदम फील आएगा आपको। चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे, जो होगी अपनी बाइसेप की, करेंगे इंक्लाइन पोजीशन पे, ताकि आपकी जो मसल होगी अच्छे से स्ट्रेच होगी, इस पे आपको कंफर्टेबली कर पाएंगे इस पे। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी होगी वो रोल नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। डंबल लेंगे 10 का, अगर कोई एक्सरसाइज पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छे से मसल को ग्रोथ भी देनी है। देखो ये जो है ना, बिल्कुल मैंने इंक्लाइन पे कर दिया है, इस तरीके से आपकी पोजीशन रहेगी इंक्लाइन पे। देखो, कुछ लोगों के पास, मैं समझ सकता हूँ कि बेंच नहीं होगा, तो घर के अंदर भी कर सकते हो ऐसे इंक्लाइन पोजिशन में, बेड पे लग सकते हो, स्टूल पे, टेबल पे, उसका फोर्स ले सकते हो, उसका पुश ले सकते हो, ताकि आपको अच्छे से बाइसेप पे असर आए। ये देखो, आपकी जो ग्रिपिंग होगी ना, इस तरीके होगी, बिल्कुल सीधे कलाई, और बिल्कुल धीरे धीरे डाउन जाना है, ये इतना डीप जाना है, यहां पर आके थोड़ा सा ट्विस्ट करना है अपने हाथों को, इतना डीप, और ब्रीद इन जाएगा, ब्रीद इन होगा जब आप डीपली जाओगे लेकर अपने डंबल को, यहां पर
ऐसे करना है, 1 2 3 इस तरीके से करना गाइस। आपने देखा होगा यार, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं बट आई एम ट्राइंग टू बीइंग अ प्रोफेशनल फॉर यू गाइस, क्योंकि आप लोगों को वो फील नहीं आएगा अगर मैं उस तरीके की चीजों में नहीं जाऊंगा तो। बट अगर आप लोग ये चीजें एड ऑन करते हो ना, आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे, जो होगी अपने ट्राइसेप के लिए। अगर आपके पास कर्ल रॉड नहीं है तो आप फ्लैट रॉड पे ले सकते हो, इस पे करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज होगी, और एक चीज और बता दूं, जो जो मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ सेम एक्सरसाइज करनी है, उनके तीन तीन रेपिटेशन लेने, उनके तीन तीन सेट्स लेने हैं। पर सेट पे आपको 10 से 12 रेपिटेशन लेने ही लेने हैं। तो आप लगा सकते हो 5 में बता रहा हूँ, 3-3 सेट लेने हैं तो कितनी सारी एक्सरसाइजेस हो जाएंगी, फट जाएगी आप लोगों की। लगता ही है कि मैंने एक एक्सरसाइज बताई है, बट 5 एक्सरसाइजेस हैं ओवरऑल बॉडी की। ओवरऑल बॉडी ऐसे पंप होगी ना आपकी, मजा आ जाएगा। चलो इस पे लेट के करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो बताऊंगा। बेंच नहीं है आपके पास तो आप फ्लैट पे भी ले सकते हो, यानी कि फर्श पे भी ले सकते हो। मैं कर्ल रॉड से कर रहा हूं, आपके पास अगर फ्लैट है तो फ्लैट से कर सकते हो, अगर कर्ल नहीं है तो। ये देखो मैं क्लोज लूंगा इस पे, इस तरीके से जो आपकी कलाइयां होंगी ना इस तरीके से स्ट्रेट रहेंगी, ये ऐसे थोड़ा सा पीछे कर ले अपने हाथों को, कलाइयां अंदर रखनी है, यानी कि एल्बोज अपने अंदर रखने हैं और यहां तक पूरा फोरहेड के पीछे लेकर जाना है, स्ट्रेच करना है अपनी। ये यहां पे स्ट्रेच करो बिल्कुल अपने ट्राइसेप को, और यहां पर आके ट्विस्ट करना है अपनी कलाई को, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस पे आपको 3 सेट लेने हैं, सेम पोजीशन पे लेना है, सेम वेरिएशन में लेना है, सेम मूवमेंट के साथ लेना है। और जितना धीरे धीरे आप डीपली लेकर जाने दोगे ना अपनी वेट को, उतना मजा आएगा। चलते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज पे, जो होगी अपनी चेस्ट के लिए। चौथी एक्सरसाइज रहेगी वो करेंगे हम अपना, कौन सा, चेस्ट का, और करेंगे एकदम बेसिक और हैवी वेट मारूंगा। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि गाइस मैं जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये सारी एक्सरसाइजेज मैंने करी है, आज संडे था इस वजह से मैंने कहा बॉडी पूरी दिन पंप रहेगी, मेरे को पार्टीज में जाना है, मतलब एक दो पार्टियां हैं उनमें जाना है, शादी में जाना है, मतलब पार्टी वूटी नहीं है, शादी में जाना है, उसके लिए मैंने कहा थोड़ा शर्ट व टी शर्ट पहन के जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। आप लोग भी अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो जाया करो गाइस, मजा आता है। चलो अपनी जो चौथी एक्सरसाइज है चेस्ट की है, 20 का डंबल करेंगे, इस पे 3 सेट मारूंगा, 20-20 से, चाहे 8 निकले चाहे 2 निकले, पर मारूंगा सिंगल अपने डंप पर। चलो 1 2 3 ये देखो जो पोजीशन मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताई है सेम पोजीशन पे मारूंगा। एकदम स्टेबल रहें, कनेक्ट करें अपनी एक्सरसाइज को मसल के साथ। अब हम इस पे करेंगे गाइस शोल्डर वर्कआउट, बैठ के करेंगे। बैठ के कैसे करेंगे बताऊंगा आप लोगों को मैं। अब इस पे बहुत, मतलब कुछ लोग शायद ये सोच सकते हैं कि हमें वो कैसे मिलेगा, पंप कैसे मिलेगा, और कैसे हमारी वो बनेगी, क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कैसे बनेगी, बैलेंस कैसे बनेगा। तो गाइस अपने पैर है ना जो, ये हमारी दीवार का काम करेंगे, पिलर का काम करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं बता दूं करके। चलो शोल्डर का पहले मैं लूंगा इस तरीके से, ये देखो बॉडी बिल्कुल भी रोल नहीं हो रही है। अब एक और एक्सरसाइज इसके साथ साथ कर लेंगे आप लोग, आर्नोल्ड प्रेस शोल्डर को इस तरीके से, इस तरीके से कर, इस तरीके से, बैं!
तो ऑलमोस्ट मैंने आपको छह एक्सरसाइजेस बता दी हैं। अगर आप इन छह एक्सरसाइजेस को ना दो दो सेट भी मारोगे ना इनके, तो मैं बता रहा हूँ कच्छा बनियान सब गीला हो जाएगा, गारंटी। चलो एड ऑन करना, मेरी तो होगी हालत टाइट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियोस, सेशंस, जो भी ट्रिप टिप्स बताता हूँ मैं, बातें जो भी पसंद आए शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन ध्यान रखें अपना, अपनी फैमिली का, खुश रहें, मस्ती करें, एंजॉय करें लाइफ। चलो टेक केयर।